सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं नालडेरा। उधर हम ओवर राइडिंग करेंगे। उधर एक जगह है स्प्रिंग वाटर वाली, अगर ठंडी नहीं हुई तो उसमें नहाएंगे, नहीं तो मुँह धो के आ जाएगी। हमने इससे पहले कुफरी की वीडियो बनाई थी, आई होप आपको वो अच्छी लगी होगी। बाजी हो गए तैयार, लेवर हो गए तैयार, और लेवर उठाएंगे लेवर चौक पे। देखो कितना पीछे, देखो कितना मस्त नजारा है, वही है लेवर चौक। तो गाइस हम जा रहे हैं नालडेरा, और हम होटल में रुके थे चाय पीने के लिए, और पीछे का व्यू देखो। ओए ओए ओए, तो गाइस एक और चीज की, जब मैं गेट खोल रहा था गाड़ी का, तब मेरा उंगली फंस गया था दोनों, ये मैं बहुत रोया था गाइस। अवॉइड करना बेचारा निष्कर्ष, चल चलते हैं। लो जी, पहुंच गए हैं नालडेरा, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, पैदल जा सकते हैं और हॉर्स भी ले सकते हैं। हम बहुत शांत जगह है, अभी थोड़े से टूरिस्ट कम है यहाँ पे, लेकिन कुफरी से अच्छा है, साफ सुथरा है और शांति है। निष्कर्ष मेरी लिपसिंग से मैच कर रहा है, अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। बहुत ही सुंदर जगह है और पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है यहाँ पे। अब करो लिपसिंग। और यहाँ पे मूवी शूटिंग होती है, फिल्में शूटिंग का भी एरिया है एक, तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। लो जी, पहले हम सोच रहे थे ट्रैक करके जाएं, लेकिन ट्रैक 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और निष्कर्ष से मुझे लगता है कि निष्कर्ष नहीं कर पाएगा ट्रैक। अब कैसे जा रहे हैं निष्कर्ष? अब हम घोड़े से जा रहे हैं, अगर 6 किलोमीटर जाता ना तो मैं जमीन पे लेट जाता। ये रहे घोड़े, दो के ऊपर घोड़े, एक घोड़े पे एक गधा सवार हो चुका है, हमारे घोड़े आ रहे हैं। और ये एक बहुत शानदार व्यू है, घोड़ सवारी हो गई है तैयार। सबसे आगे जा रहा है हमारा हमारे कबीले का सरदार निष्कर्ष, ओके, और सेंटर में हमारी कबीले की सरदारनी। और हम चल रहे पी, ये सारा मूवी पॉइंट है यहाँ पे। कुदरत प्यार झुकता नहीं, बादल माचिस अचानक दोस्ती, राजू चाचा के आमत, और मूवियों की शूटिंग हुई है इस एरिया। कौन सी शूट हुई है? लास्ट तो राजू चाचा हुई थी, उसके बाद नहीं पूरे। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है भाई साहब। अरुण भैया, आप ये पहला स्पॉट कौन सा था? पिकनिक स्पॉट था, उसके बाद मूवी पॉइंट हो गया आपका। मूवी पॉइंट ये वाला था ना, पिकनिक स्पॉट तो पीछे था ना। अच्छा। हाँ जी। अरुण भैया, यहाँ पे कुफरी से अलग क्या है? कुफरी से अलग घूमने के लिए डिफरेंट है, यहाँ पे वन वे ट्रैक है भैया। हाँ जी। और एग्जिट कहाँ से होते हैं यहाँ पे? यहीं से ही शुरू चले। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे अगर हॉर्स लेना हो कितने रुपए में मिल जाता है? 500 रुपए है, फिक्स प्राइस है, 12 मंथ फिक्स प्राइस है ना? हाँ जी। अच्छा है। उसमें ऐसा हिमाचल प्रदेश के वो भी है ना, कॉटेज भी है ना? कॉटेज है। गर्मियों में जो आप बता रहे थे क्या होता है, पिकनिक होती है? हाँ, कैंपिंग वगैरह होती है ना, बच्चों के कैंप लगते हैं मई जून में। हाँ जी। आप यहीं से हैं या नहीं? इधर से ही है सर। अच्छा, आप इधर से ही। हाँ जी। देख बेटा, लेफ्ट साइड में साल बर्फ नहीं पड़ी ना भैया? अभी नहीं पड़ी है बर्फ यहाँ पे वो पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ पे हुआ था माचिस मूवी का, चंद्रचूड़ और तब्बू वाला ना। अच्छा। हाँ जी। तो गाना है यार, चप्पा चप्पा चरखा चले। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे ही स्नो टाइम पे हुई थी ना, आग जला के यहाँ पे वो गाना गाते हैं। हाँ, वो जो बजाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अरुण, ये फॉरेस्ट टाइप का लग रहा है ये, है ना? फॉरेस्ट एरिया ही है सारा। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन नीट और क्लीन और शांत है जी। अब आप बॉडी वेट ना बैक साइड रखना है, लेग आगे की तरफ रखनी है, डाउन उतरेंगे ना हम लोग यहाँ से। ये सारे ट्री देवदार के है,
इसका फर्नीचर वगैरह बनता है ये उसी जगह होता है पेड़ ना जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, इसी को ही बना देते हैं जी क्रिसमस ट्री। हाँ जी उसमें जम जाती है ना उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी टहनियाँ है ना वो सब जम जाती है जी। कोई स्पेशली उम्मीद है यहाँ पे बर्फ गिरने की? मौसम के ऊपर डिपेंड है भैया। अब ऐसा कुछ नहीं है बर्फ बादल का और मतलब ये समझ लीजिए 5-10% ही बादल है ये नहीं जाएगा मैडम जी। आप इधर नहीं देखना घोड़े को कहाँ चल रहा है, आपने नेचर देखना है। आप इसको जितना मर्जी रिकॉर्ड कर लेंगे ना कैमरे में पर जो अपनी आंखों से देखेंगे ना वो सबसे बड़ी बात है। वो डाउन में व्हाइट व्हाइट सैंड देख रहे हैं ना वो तत्ता पानी है जी। हाँ इसी के बैक में रिवर बहती है सतलुज। हाँ जी तत्ता हाँ भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है ना वो उसी के ऊपर बना हुआ है जी। बहुत बड़ी नदी है जी जी ये चाइना से निकल के आती है हिमालय हो। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो तत्ता पानी का ही है। अच्छा जी अगर टाइम से फ्री हो गए तो तत्ता पानी जाएंगे नहीं तो फिर सीधा होटल हाँ रिवर राफ्टिंग हो जाएगी वहाँ पे। ये आपके सामने पहाड़ है जो ये स्नो दिखाई दे रही है ये हिमालय वाली रेंजेज है। ये यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? ये 400 है। कितना? 450 किलोमीटर है ये। और ये हिमाचल में है या जे एंड के में? ये हिमाचल ये देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला का हाईएस्ट पीक है वो शाली पीक है पहाड़ी का नाम ना। अच्छा अच्छा टॉप पे माता जी का मंदिर बना हुआ है। क्या नाम है माता जी का? भीमा काली। नवरात्रों के टाइम पे जाते हैं ना वहाँ पे। अच्छा भीड़ होती होगी? भीड़ रहती है पूरा पैदल जाना पड़ता है। हाँ। डाउन में गाड़ी जाएगी बाकी ऊपर तक पैदल है वहाँ। यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं? जाते हैं टूरिस्ट जो पैदल चलना रहते हैं ना। इसमें ऐसा है भाई साहब 4-5 घंटे लग जाते हैं आपके ऊपर जाने में नीचे आने में तो कम टाइम लगता है। हाँ जी वैष्णो देवी की तरह 6-6.5 घंटे लग जाते हैं वो चलने पे डिपेंड रहता है ना जी। अच्छे होने चाहिए जी जी जूते नहीं चलने वाला भी होना चाहिए मैडम जी। पहाड़ों पे मैंने जूते तो आप 20,000 के भी लेके आएंगे तब भी नहीं। वो बात भी सही है लेकिन पहाड़ों पे ना जूते मैंने ये नोटिस किया जूते अच्छे होने चाहिए वो तो है कहीं भी चलना पड़ जाता है पर ट्रैकिंग का ये होता है कि एक बराबर चलना पड़ता है। हाँ। ये नहीं है आप जैसे सीधा आ गया तो दौड़ दे दो जब चढ़ाई है तो अपनी वही स्पीड हाँ, कर दो नॉर्मल स्पीड में चलेंगे आप तो ट्रैकिंग कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। ये गोल्फ कोर्स है जाली के अंदर वाला ना। अच्छा। 1905 का बना हुआ एशिया का फर्स्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स है ये। किसने बनवाया था भैया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने? कर्जन कर्जन हाँ जी ये सामने देख रहे हैं ना ग्रीन जैसे बना हुआ वैसे इसमें आगे तक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी? नहीं गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है? हाँ जी सामने नाग देवता का टेंपल है। अच्छा। इसी के बैक में दीवाना मूवी का शूटिंग हुआ था शाहरुख खान दिव्य भारती ऋषि कपूर वाला ना ऐसी दीवानगी देखी नहीं। सो गाइस अभी हम उतरे हैं घोड़े से उतरे हैं और सामने हमारे है नाग देवता जी का मंदिर। और शिमला में मुझे ऐसा लगता है कि शिमला में आने का एक फ़ायदा होता है सभी देवी देवताओं से उनके दर्शन करने को मिल जाते हैं हमें। और अभी मैंने शूज़ पहन रखे हैं इस वजह से मैं अंदर नहीं जाऊंगा लेकिन थैंक यू सो मच नाग देवता जी के दर्शन हो पाए उनका मंदिर हम देख पाए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है शिरोमणि देवता नाग ननहल। इस मंदिर के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है जिसका नाम है नालदेरा। और नालदेरा का मतलब ये हो गया कि नागों का डेरा यानी कि नागों का घर सांपों का घर। और बहुत सुंदर बहुत छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। और ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ये दर्शन करने को मिला। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे बना हुआ गोल्फ कोर्स है और क्या ज़बरदस्त मेंटेनेंस कर रखी है। और सामने वो मन कर रहा है कि गोल्फ खेल लो। गोल्फ लाए हो आप स्टिक लाए हो? नहीं तो कैसे खेलोगे? इधर मिल भी तो सकता है
और निष्का कैसी लग रही है जगह आपको, ये हॉर्स राइडिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। आज हमारा दूसरा दिन है कंटिन्यू हॉर्स राइडिंग करते हुए, है ना? कुफरी हाँ। से बेस्ट जगह है ये। हाँ। कुफरी अच्छा था, जहाँ कल हम गए थे यही अच्छा है, ये है ना? कुफरी में सिर्फ बर्फ है, इसमें इसमें पिकनिक स्पॉट, उधर एक वो तत्ता पानी का वो नदी है, बहुत सारी चीजें। माइक नजदीक रखो ना बेटा। बहुत सारी चीजें इधर, और पिकनिक वो आपने वो भी देखा ना जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई है। हाँ है ना, अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। काली माता का भी मंदिर है। आपको अंकल समझाते हुए जा रहे थे ना? हाँ। अभी तो इतना इंट्रोडक्शन दे रहा है ये। सो गाइज, ये है भीमा काली जी का मंदिर और ये सबसे टॉप पे है, ये बिल्कुल टॉप है नालडेरा का। और ये क्या है भैया? हाँ, ये टॉप का निशान है, इससे ऊपर पहाड़ नहीं है नालडेरा का। और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, हेतराम। अब यहाँ से जो है एग्ज़िट हो रहे हैं हम और बाहर की तरफ निकल रहे हैं, यानी कि मेन रोड पे, हाईवे पे। सो गाइज, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है हिमालय, सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ से अभी मौसम साफ़ है तो हिमालय के पूरे दर्शन हो रहे हैं, और सामने बिल्कुल बर्फ़ भी गिरी हुई है, अच्छी खासी गिरी हुई है, हाइट पे है वो। बर्फ़ के पीछे चाइना है। बर्फ़ के पीछे क्या है? चाइना। अरे आप भी गाइड बन गए हो यार। अच्छा, इंडिया चाइना का लड़ाई हुआ था ना, हाँ, 61-62 में, उसके बाद वो रोड निकाल दिया था। अच्छा जी, उस एरिया पे बर्फ नहीं गिरती है, बहुत कम। अच्छा, ये गांव है यहाँ पे पहाड़ों पे ना, हाँ। स्टेप फार्मिंग होती है यहाँ पे। अब किस चीज की फार्मिंग होती है? अभी गेहूं लगाया हुआ है इस पे जी। देखो ना, स्टेप बना हुआ है ना। हाँ जी, स्टेप वाइज रहता है यहाँ पे ऐसे। और ये टॉप पे पूरा शिमला है आपका सर, पीछे ना टीवी टावर है, मार रोड वगैरह, ऊपर जाखू टेम्पल है टॉप पे। अच्छा, इस साइड है। हाँ जी, यहाँ वहाँ से आए आप घूमने के लिए यहाँ। चले जी, ये सामने जो आपका गांव है इसका क्या नाम है? कोगी जी, ये आगे को लवर पॉइंट है एरिया ना सारा। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे उतरते हैं कई बार ना, थोड़ी देर फ्लैट एरिया सारा। अब लोग यहाँ से डाउन उतरेंगे, आपने बॉडी वेट बैक साइड रखना है। हाँ जी, ये यहाँ से स्कूल कितनी दूर होगा? स्कूल वहाँ पे जहाँ आपकी गाड़ी है ना नीचे, उसी के साथ स्कूल है बना हुआ। आपके बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं या कहीं दूर? नहीं, हमारे तो गांव में ही है ना स्कूल, जहाँ पे हमारा घर है ना। हाँ जी, सरकारी है, प्राइवेट भी है। हाँ जी, डरना नहीं मैडम जी, आपने आगे से पकड़ो, पीछे नहीं, हैंडल आगे से ही पकड़ो, कहीं नहीं गिरेंगे आप। ये देखो यहाँ तक है पूरा एरिया गोल्फ कोर्स का ना, डाउन में। ये 5 किलोमीटर है अप डाउन। देखो कैसी शुद्ध हवा आ रही है। एक्चुअल में मैडम, पहाड़ों पे जिसने हॉर्स राइडिंग कर ली ना, वो परफेक्ट है, कहीं भी कर सकता है, अलग एक्सपीरियंस है जी। हाँ, ये देखो गांव और दिख रहे सर इस साइड पे। डाली होती है हमने ताकि घोड़ा भड़के नहीं और इसको कोई दुख कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपको कस्टमर को प्रॉब्लम हो ना उसको प्रॉब्लम हो। ये देखो ऐसे ही निकाल दिया आपके सामने, ये देखो
ये ऐसे, ये देखो, और अब इसको ऐसे लगा दिया मैंने, और ये ऐसे, ओके। अब ये रेस्ट करेगा, जब तक दोबारा नंबर नहीं आएगा ना तब तक ये नहीं जाएगा। अब ये पानी पिएगा थोड़ी देर के बाद और घास खाएगा। अभी देखो मैं आपके सामने इसको घास खिलाऊंगा, और इसको ऐसे बांधा जाता है, देखो देखो बांध गया ना, वेरी गुड। अब मैं आपको एक आइटम दे रहा हूँ, इसको फेंकना मत, ये लो। अरे यही तो चीज़ है, ऐसा मत। बेटा एक बार इधर दिखाओ, ये आपको पता क्या है? घोड़े की नाल। ये घोड़े की नाल है बेटा, ये बहुत कीमती होती है, इनके पैरों के नीचे बनाया जाता है, ग्रिप के लिए लगाया जाता है। अंकल को आपने थैंक यू बोलो पहले। थैंक यू वेलकम बेटा। पैरों के नीचे इसको बेटा आप नहीं लगा सकते, देखो इसको ऐसा लगता है, छोड़ दे बेटा, हेलो, ये देखो ऐसे उठा दिया ना इसने, ये देखो ऐसे लगता है इसको, ये देखो इसका शूज है ये। अच्छा। हाँ, इसको ताकि इसको पेन नहीं होगा इसमें, नहीं तो नंगे पाँव जैसे हम नहीं चल पाते ना, वैसे ये भी नहीं चल पाता। हाँ, थैंक यू बोलो अंकल को। थैंक यू बेटा, वेलकम। थैंक यू अंकल, थैंक यू सर। मुझे okay. बहुत डर लग रहा था कि बच्चा गिर ना जाए। नहीं नहीं, आपने मुझे एक बात बोली थी कि आपका बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, और कसम से आप बिल्कुल सेफली लेकर आए हो, बिल्कुल डर नहीं है। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहर सिंह है। मेहर सिंह, हाँ जी, हाँ जी। मैं गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप नाल देरा आते हैं तो अंकल जी का नाम पूछिएगा, और अंकल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शिमला में इनसे बढ़िया मेरे को कोई आदमी नहीं मिला। मेरे को 4 दिन हो गए हैं आज, कुफरी भी गए थे हम, कुफरी में भी बहुत गंदा माहौल था वहाँ पे, और उनका बात करने का भी तरीका नहीं था। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सर। तो गाइस अभी मैं नीचे आ चुकी है, और ये इधर कॉफ़ी आ चुकी है। सो घोड़ा बहुत अच्छा था, कुफरी का थोड़ा सा था, लेकिन नारदेरा का मुझे बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया? हाँ, एकदम मजा आ गया। अब कहाँ जाना है हमें? अब होटल। तत्ता पानी नहीं जाना? तत्ता नहीं जाना है, वो नेक्स्ट व्लॉग होगा। ठीक। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।